और हम भारतीयों को तो और भी गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। जितनी प्राचीन परंपरा संस्कृति हमारी है, इतिहास से भी परे हम लोग हैं, हमको इतिहास के दायरे में कोई कैद नहीं कर सकता। उससे भी आगे जाकर के हजारों करोड़ हजारों वर्षों की एक इतिहास है हमारा, हजारों वर्षों का है। अभी 500 वर्ष का भगवान राम का भी तो प्राण प्रतिष्ठा का पुनर्प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में संपन्न हुआ, पर भारत किस रूप में किस उत्साह के साथ जुड़ा है, दुनिया जुड़ी है, दुनिया एकजुट है। लोगों के लिए बहुत उन्नत आश्चर्य का विषय है। अभी आपने वाराणसी का देखा होगा, वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में ज्ञानवापी में ये साई की रिपोर्ट सामने आ रही है। ये साई की रिपोर्ट क्या बताती है, बहुत कुछ आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है, लेकिन उस विरासत पर जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के समय आपको उपलब्ध कराया था, हम आजादी की लड़ाई को अपनी आंखों से नहीं देखे, देश को आजाद होते समय हम नहीं देखे, लेकिन जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, हर घर तिरंगा के माध्यम से हम इस महोत्सव में सहभागी बने थे, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमने उस दौरान आजादी के अपने उन बंदों को जो राष्ट्रनायक थे, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उस समय के क्रांतिकारी थे, या जिन्होंने देश की आजादी के पहले आजादी के आंदोलन में सहभागी बनकर इस लड़ाई में नेतृत्व प्रदान किया था, या आजादी के बाद भारत की सुरक्षा करते हुए भारत के रक्षा बलों में, अर्धसैनिक बलों में, पुलिस बलों में अपनी सेवाओं के माध्यम से देश को सुरक्षा दी थी, बाह्य और आंतरिक सुरक्षा प्रदान की थी, उनके प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करेंगे। उनके स्मारकों का सुंदरीकरण हुआ, हम लोग गए, उनपे शोध हुआ, उनपे कार्य हुआ, ये चीजें उस समय प्रारंभ हुई। तो विरासत पर गौरव की अनुभूति कर रहा हम राम पर, इसलिए क्योंकि राम हमारे पूर्वज थे, कृष्ण हमारे पूर्वज है, केवल हमारी आस्था नहीं, हमारी विरासत भी है।